everyone. Today's our topic is how can I find square roots of the perfect numbers. Okay, इसके लिए first हमें क्या करना होता है, पहले तो ये है कि first से लेके 20 तक square सबको learn रहते हैं, छोटी class में ही हमसे learn करवाए जाते हैं. Okay, second thing is जो हमारा संख्या रहेगा उसका जो unit digit रहेगा उसका अगर unit digit 1 आएगा तो उसके answer में last वाला digit जो रहेगा या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा. अगर unit digit 4 रहा तो उसका answer में last वाला जो digit रहेगा या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा. अगर हमारे answer अगर हमारे डिजिट्स में यूनिट डिजिट जो है वो 5 या 6 या 9 रहा तो उनके लास्ट वाले डिजिट्स 5, 4, 6, 2, 7 ऐसे रहेंगे. जैसे ये सामने लिखे उनके आंसर का लास्ट डिजिट ही सामने वाले अक्षर रहेंगे. ओके, इसके लिए हम पहला एग्जांपल लेके देखते हैं. 6, 7, 2, 4 इन बड़े बड़े नंबर्स का, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट इतने इजी तरीके से निकाला जाता है, चुटकियों में निकल जाता है. ओके, तो इसके लिए इसका लास्ट डिजिट जो है हमारा 4. तो 4 के दो पॉसिबिलिटीज रहेगा आंसर के, या तो लास्ट डिजिट 2 रहेगा या तो 8 रहेगा, तो 2 या 8. ओके, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. इसके लिए हमें पहले देखना है 68 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, 67 किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है हमारा 67. ओके, ये 8 और 9 के, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है. तो फिर हमारा जो पहला अंक आता है मतलब वो है 8, वो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 8. ओके, पहला अंक तो मिल गया. फिर हमारे दो पॉसिबिलिटीज हो गई, 8 2 और 8 8. आंसर तो ऐसा ऐसे निकाला नहीं जा सकता, किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर एक ही अंक रहेगा. तो फिर इसके लिए फाइनल करने के लिए हमें ये करना होगा, ये जो 67 है हमारा वो ये 8 और 9 के बीच में है, तो फिर 64 और 88 इन दोनों संख्या में से वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, 67 64 के ज़्यादा नज़दीक है या 81 के ज़्यादा नज़दीक है. यहाँ पर लिख देते हैं एक बार समझने के लिए, किसके ज़्यादा नज़दीक आ रहा है यहाँ, 64 के या 81 के, किसके नज़दीक आ रहा है, ऑब्वियसली 64 के नज़दीक आ रहा है मतलब ऊपर वाली संख्या, तो इसका आंसर डायरेक्टली हम 82 लिख देंगे. ओके, आप एक बार कैलकुलेटर में कर लीजिए, 6724 का स्क्वायर रूट 82 ही आएगा. इस ट्रिक से अगर आप जाएंगे तो आप सेकंड्स में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कितने भी बड़ी संख्या. अभी सेकेंड एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, 5, 6, 2, 5. इसकी अभी 5 का एक ही पॉसिबिलिटीज है, लास्ट डिजिट 5 रहेगा. ओके, तो लास्ट डिजिट डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 5. दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हम लोगों ने. ओके, तो अभी 56 किन दो संख्याओं के ज़्यादा बीच में आ रहा है, 56 या तो 7 या तो 8. पहली संख्या कौन सी हम लोगों की, 7, तो यहाँ पे 7. 75 का स्क्वायर 100% 5, 6, 2, 5 ही रहेगा. अभी और एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम इसके लिए, थोड़ा टफ एग्जांपल लेते हैं और. ओके, तो 7, 5, 6, 9 इसकी भी दो पॉसिबिलिटी हो गई. अभी 9 अगर आया है तो 3 और 7 लास्ट डिजिट या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा. अभी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इन दोनों को, 75 किसके ज़्यादा 75 किन दो संख्या के बीच में आ रहा है हम लोगों का, या तो 8 या तो 9. ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 8, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे. 75 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 64 के या 81 के, तो है 81 के ज़्यादा नज़दीक है 75, तो हमारा आंसर में आएगा 7. इतने इजी तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 7, 5, 6, 9 इज इक्वल टू 79. अभी एक एग्जांपल और थोड़ा टफ करके देखते हैं हम लोग इस एग्जांपल को. क्या ले एग्जांपल, चलिए 2, 6, 8, 9, 6, got it?
तो इसके भी 6 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो इसके भी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 4 उसका लास्ट डिजिट रहेगा या तो 6 इसका लास्ट डिजिट रहेगा। इसके लिए क्या करना होगा फिर से, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, 2 4s में डिवाइड कर लेते। 268 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, 268 किन दो नंबर के बीच में है वो, 68 ओके, तो वो है 16 या 17 के बीच में आ रहा है, पहला कौन सा है हमारा 16, तो 16 डायरेक्ट लिख लेते। तो नेक्स्ट थिंग क्या है हम लोगों की, ये जो है 268 किसके ज़्यादा पास है, 256 और 289 किसके ज़्यादा पास है, वो है 256 के, तो आंसर में क्या लिखेंगे, 4। तो 164 का स्क्वायर रूट निकले, 2689 का स्क्वायर रूट ऑब्वियसली यही निकलेगा 164। ओके थैंक यू।